अपराधी को तीर्थ चले वो क्या तीर्थ तारे हैं, उसको ठीक करो। काम क्रोध मन में बसे वो खाली देह ने पका ले। तीर्थ जानने वालों की सच्चाई बता रहे हैं कवि साहब। सच्चाई बताने के लिए तो संसार में पधारे थे कि हंस जीव दुखी देखा भव सागर ता कारण पग धारा हो। साहेब जीवों के दुख को देख करके, जन्म मरण रूपी दुख को देख करके साहेब दया करके संसार में पधारे। तो फिर उनको ये पसंद नहीं था, धर्म के नाम पर पाखंड करना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा पाहन को क्या पूजिए उसमें क्या पावे। सबसे पहले उन्होंने तीर्थों की सच्चाई बताई। तो तीर्थ गए तीन जना चित चंचल मन चोर, एको पापन सारिया तो दस मन लाए और। तो एक भी पाप सार के नहीं आए, दस मन और लेके आए। ये उन्होंने सच्चाई बयान की अपनी वाणी में। तो अमृतमय वाणी सदगुरु कवि साहब फरमाते हैं कि तीर्थ जाकर के भी चंचलता नहीं मिटी, चित स्थिर नहीं हुआ। तो ऐसा कौन सा तीर्थ है जहाँ जाने के बाद पाप भी मिट जाए चित्त भी स्थिर हो जाए? तो वो है संत समागम, संतों की सत्संग, संतों की शरण सत्संग है, यही तीर्थ है। तो ऐसा तीर्थ दुनिया कम करती है, दुनिया तो बाहर के तीर्थ करती है। तो उन्होंने साहिब ने कहा कि भाई दौड़त दौड़त दौड़िया जबलग मन की दौड़, दौड़ मिट्टी मन फिर भयो तो वस्तु ठौर की ठौर। आप जिसको ढूंढ रहे हो वो तो आपके घट के अंदर है, वो तो वस्तु कहीं गई न कोई आई, वो तो ज्यों की त्यों अंदर ही है। परंतु आप मिर्गा की तरह बार ही बार भटक रहे हो, अंदर में ध्यान नहीं कर रहे हो। तो साहब ये हमें साहेब को ये था कि इनको अंदर का राज बताया जाए, इसलिए साहेब ने अपने ज्ञान की कैंची से तीर्थ को काट दिया। तीर्थ को काट करके उन्होंने कहा कि जिसका लक्ष्य परमात्मा दर्शन है, जिनका लक्ष्य परमात्मा का दर्शन करना है, आत्मा का ज्ञान करना है, तो उन्हें फिर तीर्थों में ज़्यादा भटकने से कोई लाभ नहीं। तो फिर उन्होंने असली तीर्थ बताया कि 68 तीर्थ का फल मिले जे कोई संत जिमावे। 68 तीर्थ का फल तो संतों के चरणों में प्राप्त होता है, उनको भोजन इत्यादि सेवा करने से हो जाता है। वचन मानने से शिष्य को 68 तीर्थ का फल मिल सकता है। तो फिर कहा दूसरे चरण में उन्होंने पत्थर का खंडन किया और कहा कि जड़ वस्तु जितनी भी है वो सब माया है, चाहे वो लकड़ी हो, लकड़ी की मूर्ति हो, चाहे कोई पीतल कासा कोई भी मूर्ति धातु की हो, कागज क्यों नहीं हो, वो सिर्फ देखने के लिए है। कैसे हमारे महापुरुष से उनके अंदर ये ध्येय नहीं बनाना कि यही भगवान है, यही मालिक है। तो कहते हैं तीर्थ, हाँ पाहन को क्या पूजिए उसमें क्या पावे। 68 हाँ पाहन को क्या पूजिए उसमें क्या पावे। तो ये जड़ वस्तु है, इसको क्या पूजना है? तो साहेब ने तो कहा कि भाई थोड़े में समझ जाओ, अपने भीतर का ध्यान जगाओ, भीतर के अंदर के राज को समझो, अंदर भेद लेकर भजन करो। पर वही जीव के लिए जब तक मन नहीं रुकता वो कठिन हो जाता है। तो बोलो सतगुरु साहेब की। काम क्रोध मन में बसे खाली देह ने पखाले, तीर्थ वाली लाइन में। और पाहन को क्या पूजिए उसमें क्या पावे, 68 तीर्थ का फल मिले जे संत जिमावे। कागज की नौका बनी मैं लोहा बर दिया भारा, शब्द भेद जानियो नहीं मूर्ख पची पची हारा। शब्द भेद जब तक नहीं मालूम हुआ तो मूर्ख पच पच के हार गया। शब्द तो दसवा द्वार के बाहर है, बाकी शब्द सब काल के शब्द चल रहे हैं, ओमकार त्रिकुटी में और ररंकार दसवें द्वारा और सोहम शब्द
जो भवर गुफा में, इसी प्रकार से जो शब्द चल रहे हैं जो नीचे के, उनका सबका साहिब ने वर्णन किया और वर्णन करके बताया कि दसवां द्वार से बाहर ग्यारहवीं खिड़की है, उस पर शब्द की डोर हंस नहीं पकड़ेगा तो नीचे वाले नाम पकड़ने से उसका कल्याण नहीं होगा। तो वो केवल पुण्यशाली हो सकता है, किसी लोक में सुख निवास कर सकता है, फिर वापस संसार में आ जाएगा। तो पांच नाम भवसागर के लिए, जहाँ से मुक्ति न हुई औकुल छोड़ मिलो सदगुरु से सहजा मुक्ति हुई। तो वो सहज की जो मुक्ति की स्थिति है वह ठीक ढंग से समझने से ही हो सकती है। तो साहिब ने कहा कि संत जो हैं वे चेतन मूर्ति हैं, जो जीव प्राणी है, पशु पक्षी है, इनमें जो चेतन बोल रहा है उनको भोजन इत्यादि दो, चारा पानी दो, उनको तृप्त करो, यही एक पूजा है। बाकी पाहन को पूजने से तुम्हें कोई हरि ईश्वर मालिक खुदा राम जी कोई नहीं मिलेगा। वाहन को क्या पूजिए, इसमें क्या पावे, अष्ट तीर्थ का फल मिले जे कोई संत जिमावे। तो यहाँ संत जिमाने का और संत सेवा का महत्व समझाया और उससे अधिक बताया कि भाई कोई बात नहीं, जब तक गुरु नहीं मिले पाहन पूज लिए, जब गुरु मिल गए तो जड़ की सेवा छोड़कर चेतन संत गुरु की सेवा करो। फिर साहेब कहते हैं कागज की नौका बणी, हे माँ बोले मना करो, कागज की नौका बणी माही लोहा भर दिया भारा, शब्द भेद जानिया नहीं तो मूर्ख पची पची हारा। तो ये कागज रूपी एक उदाहरण दे रहे हैं कि आप विवेक से समझो, अगर नौका थोड़े से पानी में आप कागज की बना के छोड़ रहे हो तो उसमें बोझ रखते ही वो गल के नष्ट हो जाएगी, डूब जाएगी। तो ऐसे ही कागज की नौका बनी माहे लोहा भर दिया भारा, जीवन रूपी नौका है और उसमें बुरे कर्म रूपी उसके अंदर लोह भर रहे हो, बुरे कर्म कर रहे हो, किसी को तड़पा रहे हो, दुखी कर रहे हो, वचन से, कर्म से, हाथों से, पांवों से किसी को मारपीट कर रहे हो, वचन से किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हो, तो अपने मुख पे तलवार बांध के घूम रहे हो, तो ये पाप तुम स्वयं कर रहे हो और तुम्हारे जीवन रूपी नौका वो सिर्फ कागज की बनी हुई है। तो कागज के मुताबिक है, अर्थात देह शरीर को कागज की उपाधि दी है उन्होंने कि आपका शरीर कैसा है कि कागज के टुकड़ों जैसा है। एक क्षण में तो आप राजी दिखते हो, एक क्षण में आपका पेट दर्द करने लगेगा, सिर दर्द करने लगेगा, आपके कोई भी अंदर में अवयव खराब हो गया तो आप तड़पने लग जाते हो कबूतर की तरह। तो ये कागज जैसी ये देह है और भवसागर रूपी नदी में आपको पार होना है, तो उसके अंदर अगर बुरे कर्म रूपी भार रख दोगे तो फिर संसार से कैसे पार होगे। इसलिए साहिब ने इस साखी में अच्छे कर्म करने का संकेत दिया। अपन भजन बोलते ही हैं कि कर्मों की जाजा दुई प्रकाशी, शुभ अशुभ कहावे, अशुभ कर्माने मारे हटावो, सुध बुध ले घर आवे, गुरा सा बिना कौन प्रेम जल पावे। तो कौन प्रेम जल पावे, तो कर्मों की जाजा दो प्रकार की, शुभ अशुभ दो प्रकार के कर्म है, तो अशुभ कर्म छोड़ दो और शुभ कर्म धारण कर लो, यही तो सत्संग है। अगर सत्संग में कर्म सुधार नहीं हुआ तो सत का संग नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर हमें हमारा लक्ष्य सत का संग करना है तो पहले हमें कर्म सुधारना ही होगा। तो तीन प्रकार के कर्म कहे गए, प्रारब्ध संचित और क्रियामान। प्रारब्ध संचित क्रियामान कर्म को ठीक ढंग से समझ लें, और काफ़ी कर्मों की चर्चा शास्त्रों में भरी पड़ी है। मुख्यतः कर्म दो प्रकार के ही होते हैं, शुभ और अशुभ। तो कर्म अच्छा करें, गुरु की शरण में जाकर कर्म अच्छा करें तो गुरु को भी बोझ नहीं पड़ेगा जीव को तारने के लिए। अगर जीव जानबूझ के समझ के भी बुरा कर्म करता है तो उसके गुरु को तारने के लिए बोझ पड़ता है।
ऐसा बताया जाता है शास्त्र में। इसलिए अच्छा कर्म करने से गुरु भी खुश होते हैं, सब आत्मा भी खुश होती है। तो अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करते हुए कबीर साहब इस प्रकार, कागज की नौका बनी माई लोहा भरिया भारा, शब्द भेद जाने नहीं मूर्ख पची पची हारा। तो अब शब्द को इस शरीर में शब्द है, कबीर शब्द शरीर में बिन गुण बाजे तात, बाहर भीतर रम रहा ताते छोटी भ्रांत। तो बाहर और भीतर में जो व्यापक जो शब्द है वो सुनने के बाद में फिर भ्रांति नहीं रहती, फिर कोई प्रकार का भ्रम नहीं रहता। शब्द ही शब्द भया प्रकाशा, शब्द से ही अंदर में प्रकाश होगा। अगर गुरु से नाम लेके छोड़ दिया तो नाम प्रकाश नहीं होगा। इसलिए केवल ऊपर से प्रकाश नाम रखाने से मुक्ति नहीं हो जाती, प्रकाश अंदर का चाहिए। बाहर का प्रकाश सब माया है, जो दिखे सो माया, संतो जो दिखे सो माया। तो इस तरह से ताकत भी शरीर की अलग है, मन की अलग है। सुरति को शब्द की ताकत की आवश्यकता है और आत्मा को शब्द की आवश्यकता है। तो इसी तरह से ताकतों को जगाना है और सुरत पसी संसार में तासे पड़ीगा दूर, सुरत बांध अस्थिर करो तो आप ही हाल हजूर। तो हम परमात्मा से दूर कब तक है? जब तक हमारी सुरति लोकगामनी है और संसार में भटक रही है। यम यम व्यापी स्मरण भाव तजवन तेम कलेवरम, तम तम कौन ते तद्भाव भावतः। अर्थात अंत समय में लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता ले मरे तो सर्प योनि बलबला उतरे। अंत समय में स्त्री सुमरे, जो स्त्री का सुमिरन करते करते मर जाते हैं, कामी पुरुष होते हैं वो पराई स्त्री का सुमिरन करते करते मर जाते हैं, तो अगले जन्म में वेश्या के पुत्र बन जाते हैं या वेश्या की बेटी बनकर संसार में आ जाते हैं, फिर संसार में भुगतते हैं। तो इसलिए साहेब ने फरमाया, यानी श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई अंत में अपनी सुरति को जो स्थिर रखता है तो वह फायदा में रहता है, जो सुरति को भटका देता है। तो लाख बात की एक बात है, लाख बात की एक ही बात है, और कितने ग्रंथों का सार एक ही है कि अपनी सुरत को ठिकाने रखो बस। अब यहाँ बैठे तो यहाँ है, न सोच कल की कर रहे हैं कि कल सुबह क्या सब्जी बनाएंगे, क्या पकवान बनाएंगे। अभी तो बना हुआ जिम लिया, अभी तो थोड़ी नींद ले लो, मस्त रहो। अब क्या कल क्या बनाएंगे, वो कल की चिंता कर रहा है। तो वो सुरत जो आगे दौड़े पीछे दौड़े पर शब्द नहीं पकड़े। पहले उन्होंने क्या कहा, वो भूतकाल की बात कर रहा है, उन्होंने ये कहा वो कहा, उस समय नष्ट होता है। तो समय अनमोल है, जिसने सुरति संभाल ली अपनी उसने संसार में सबसे बड़ा काम कर लिया। तो सुरत फंसी संसार में तासे पड़ेगा दूर, और सुरत बांध अस्थिर करो तो आप ही हाल हजूर। आगे की बात है कि जिन्होंने इष्ट कायम नहीं किया, जैसे कोई सतनाम भी रट रहा है, कोई भी नाम जप रहा है, और कबीर साहब को केवल संत समझता है, केवल कोई भक्त समझता है, कोई गुरु समझता है, कबीर साहब को सतगुरु का भाव नहीं देता है, सतपुरुष का भाव नहीं देता है, तो उसकी मुक्ति संभव नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसका इष्ट कायम नहीं हुआ। तो श्रुति को तो मुकाम चाहिए, तो वो बिना मुकाम वो श्रुति भटकती रहेगी, क्योंकि उन्हें इष्ट धारण नहीं किया। तो पहले इष्ट सदगुरु कबीर साहब का धारण करें, और फिर गुरु से शब्द लेकर भजन करें, और गुरु पद को हृदय में कायम करें, तभी आगे श्रुति को कुछ मार्ग मिल सकता है। नहीं तो ये श्रुति जो है, जैसे एक खराब रेडिया पड़ा है, उसका स्टेशन गलत जगह लग जाता है, तो वो गलत कहीं से पकड़ लेता है। इसी प्रकार उसकी सुरती भी ये दो चीज़ कायम नहीं करने के कारण वो कहीं संसार में कहीं पकड़ लेगा स्टेशन, और वो अंत समय में नरक में पड़ जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें करनी बहुत ही ज़रूरी है। आगे चलते हैं, सदगुरु कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं, सदगुरु कबीर साहब जगत की दशा बताना चाहते हैं। ये खला अंधा डोले,
कहे कबीर सा विचार के जग अंधा डोले, अरे अंधा को सूझे नहीं और साहेब घटघट बोले, अंधा को सूझे नहीं साहेब घटघट बोले। अब गुरु की देखो, गुरु की शरण में भी चले गए, थोड़ा सा दुख आया और फिर कोई आका डालने के लिए कहीं कहीं चले गए। कोई दुख आवे तो विचलित हो जावे, इष्ट भी छोड़ दे नाम भी छोड़ दे तो उस जीव की मोक्ष कैसे हुए। तो इसी प्रकार से पतिव्रता की तरह और तलवार की धार की तरह मेरी भक्ति खांडे की धारा जो सुमरे सो उतरे पारा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो सुरत को एक जगह स्थिर रखे, साहिब में लगा के रखे, गुरुजी में लगा के रखे, तभी ये कल्याण संभव है। बोलो सतगुरु साहिब की जय।